नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देश का पहला स्वदेशी युद्धपोत समुद्री मोर्चे पर दुश्मन से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित करने जा रहे हैं और इसके साथ ही सागर की प्रचंड लहरों का ये योद्धा समंदर के सबसे बड़े प्रहरी के रूप में तैनात हो जाएगा। भारत के परम शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की ताकत को पिछले एक साल से तमाम सी ट्रायल्स के जरिए आजमाया जा रहा था और अब विक्रांत अपने सभी इम्तिहानों को पास करके देश की सेवा में उतरने जा रहा है। तो कैसा है देश का ये पहला मेड इन इंडिया वॉरशिप और इसे समंदर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत आखिर कहा क्यों जा रहा है, ये जानने के लिए गुड न्यूज टुडे सीधे पहुंचा फिलहाल कोची यार्ड में खड़े आईएनएस विक्रांत पर। देखिए आईएसी विक्रांत से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है। चैन समयुद्धि स्पर्धा, मैं उसको हराऊंगा जो मुझसे युद्ध करेगा। जब नाम ही हो विक्रांत तो उद्देश्य केवल यही हो सकता है। लहरों पर शौर्य और पराक्रम की नई मिसाल, हिंदुस्तान की जल सीमा का नया रक्षक, हिंदुस्तान के समंदर का नया बादशाह, एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। दुश्मन में खौफ का दूसरा नाम है भारतीय नौसेना। समंदर पर पैनी नजर हो या फिर 7,516 किलोमीटर लंबे तट की रक्षा, भारतीय नौसेना लहरों पर राज करती है। और अब इसके तरकश में समंदर के सिकंदर विक्रांत के रूप में एक और अचूक तीर जुड़ने जा रहा है। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को भारत की नौसेना को सौंपने जा रहे हैं। यानी 2 सितंबर को भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगा। इससे न केवल समंदर में भारत की ताकत में एक बड़ा इजाफा हो जाएगा बल्कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जिनके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। आजादी के 75 साल पूरा होने के मौके पर हम आपको एक गुड न्यूज दिखाने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाई मिल रही है क्योंकि देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत नौसेना का हिस्सा बन रहा है। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद हैं। इसकी क्षमता की बात की जाए तो ये 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर इसके ये इस वक्त जो डेक है उस जिस पर हम मौजूद हैं और ये एक तरह से अपने आप में चलता फिरता शहर है। 1700 से ज्यादा नौसैनिक अधिकारी इस पर एक वक्त में मौजूद हो सकते हैं। इसके अंदर हॉस्पिटल, खाने पीने की सुविधाएं, हर तरह की चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर इसकी मारक क्षमता को देखें तो इस पर करीब 30 लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर मौजूद हो सकते हैं जैसे MiG-29, कामोव हेलीकॉप्टर के अलावा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मौजूद होंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस से लेकर बराक मिसाइल से भी ये सुसज्जित होगा। आईएसी विक्रांत भारत में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। देश में कई सालों से इसके निर्माण का काम चल रहा था। करीब 23,000 करोड़ की लागत से बने विक्रांत का हर हिस्सा भारत में ही बनाया गया है। देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के कुछ अनसुने पहलू हम आपको बताते हैं। ये अपने आप में एक चलता फिरता शहर है। अगर इसकी बात की जाए कि इसमें कितना स्टील लगा हुआ है तो करीब 4 एफिल टावर के बराबर इसमें स्टील का इस्तेमाल किया गया है। 2,400 किलोमीटर लंबी केबलिंग इसके अंदर की गई है। 2300 इसमें कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जिसमें 1700 से ज्यादा नौसैनिक अधिकारी रह सकते हैं। महिला नौसैनिकों के लिए खास इंतजाम इसके अंदर किए गए हैं। आधुनिक हॉस्पिटल इसके अंदर मौजूद है और साल 2009 में इसकी कीलिन सेरेमनी हुई थी यानी कि इसका निर्माण शुरू हुआ था और लगभग 13 साल के बाद देश का पहला विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से नौसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पिछले एक साल से नौसेना के गहरे समुद्र में जटिल युद्धाभ्यास के लिए विक्रांत के कई परीक्षण किए गए हैं।
नौसेना ने 40,000 टन वजन वाले विशाल काय विक्रांत को बीते साल अगस्त में पहली बार परीक्षण के लिए 5 दिन की समुद्री यात्रा पर उतारा था। तब से लेकर अब तक कई पैमानों पर विक्रांत की ताकत का परीक्षण हो चुका है। जैसे हम लास्ट अगस्त में पहली बार सेल किए थे, उसी समय हमने 22 बार टच डाउन किया था, हेलीकॉप्टर लैंडिंग की थी। सो एक ये मेरे जानकारी के अनुसार एक रिकॉर्ड है। तो हमने फ्लाइट ट्रायल्स तो ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, फ्लाइट इंटीग्रेशन शुरू हो गया है, पर देखिए सारा का सारा क्षमता जो आएगा वो धीरे धीरे हम प्रूव करते जाएंगे। अभी तो लैंडिंग हुआ है, उसके बाद हम इसको इसके साथ सेल करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे, इसका हैंगर में ले जाके इसकी मरम्मत करके ऊपर लाके, सो एक ऐसा माहौल और कुपूरी कॉम्बैट कैपेबिलिटी अचीव करना एक हमारा कमिशनिंग के बाद ध्येय होगा। अभी समुद्री सरहदों की रक्षा की जिम्मेदारी भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य उठा रहा है, लेकिन वक्त के साथ समंदर में चुनौतियां भी बड़ी होती जा रही हैं। ऐसे में जब INS विक्रमादित्य को INS विक्रांत का साथ मिल जाएगा तो दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। कोची में INS विक्रांत से अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए 2 सितंबर को हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा जब विक्रांत नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल होगा, और इसके साथ ही विक्रांत IAC यानी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से INS यानी इंडियन नेवल शिप विक्रांत बनने का अपना सफर पूरा कर लेगा। इतिहास गवाह है कि विक्रांत जब जब समंदर में उतरा है तब तब दुश्मन को सांसों का अकाल पड़ गया, और अब अपने नए अवतार में विक्रांत और भी ज्यादा घातक, और भी मारक, और भी ताकतवर हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस IAC विक्रांत में आखिर खास क्या है। वास्तव में जब आप मेड इन इंडिया विक्रांत की ताकत को समझेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि आखिर क्यों इसे हिंद महासागर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। दरअसल किसी भी युद्धपोत की ताकत का अंदाजा उसके डेक एरिया से लगाया जाता है। जितना विशाल डेक उतने ज्यादा लड़ाकू विमानों को रखने की क्षमता, और उतना ही ताकतवर युद्धपोत, और विक्रांत इस लिहाज से देश का सबसे बड़ा युद्धपोत है। लगभग 2 फुटबॉल फील्ड से भी बड़े आकार के क्षेत्रफल वाले इस डेक से विक्रांत के फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे, और इन विमानों को फ्लाइट कंट्रोल पोजीशन से कंट्रोल किया जाएगा। इस वक्त INS विक्रांत के फ्लाइंग कंट्रोल पोजीशन में मौजूद हैं, जहां से INS विक्रांत की एयर ऑपरेशन कंट्रोल होते हैं। नीचे डेक का एरिया है, और INS विक्रांत पर एक वक्त में 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। MiG-29 लड़ाकू विमान के अलावा कामोव और MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर इस पर तैनात होंगे, और इसी ऑपरेशन इस रूम से ये चीजें कंट्रोल होंगी जो कि INS विक्रांत की मारक क्षमता को बढ़ाती है। INS विक्रांत के ऊपर जो फ्लाइंग डेक बना हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर कहा जाता है कि ये है। हम समझना चाहेंगे आपसे लेफ्टिनेंट कमांडर अजय सिंह की किस तरह से हेलीकॉप्टर और जो फाइटर के फ्लाइंग ऑपरेशन होंगे, किस तरह से उड़ान भरेंगे, अगर आप दर्शकों को समझा पाए। देखिए, लड़ाकू विमान की उड़ान कराने के लिए हमारे पास 2 हवाई पट्टी दी गई है, जिन्हें की रेस्टेनिंग गियर सिस्टम, जबकि जहाज पूरा रेडी हो जाता है तो वो रेस्टेनिंग गियर सिस्टम पे आके खड़ा होता है, और उसकी लॉन्च की कमांड यहाँ से दी जाती है। हेलीकॉप्टर्स के लिए हमारे पास लैंडिंग स्पॉट्स हैं जहाँ पे आके हेलीकॉप्टर उतरता है, जैसे कि आप फ्लाइट डेक पे देख सकते हैं, वो नंबर किए गए हैं। ये जो हमें नंबर नजर आ रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर के पोजिशन है उतरने की, और लड़ाकू विमान इस डायरेक्शन से उधर जाएंगे। जो ये पीली पट्टी है, ये लड़ाकू विमान की उड़ान भरने के लिए है, और जो नंबर दिए गए हैं ये हेलीकॉप्टर्स के
त्वरण के लिए है। लेकिन एक युद्धपोत में विमानों की डेक पर तैनाती जंग के हालात में होती है या फिर अभ्यास के लिए। आम दिनों में ये विमान युद्धपोत में बने हैंगर में रखे जाते हैं। विक्रांत के विशालकाय हैंगर में 30 से ज्यादा फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर खड़े किए जा सकते हैं। यूएनएस विक्रांत का हैंगर का एरिया है जहां पर लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात होते हैं। एनएस विक्रांत की मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो इस पर MiG-29 के जो लड़ाकू विमान है वो तैनात होगा। इसके ट्रायल इस वक्त हो रहे हैं। एक वक्त में 30 के लगभग लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे, चाहे MiG-29K की बात की जाए या फिर इस कामोव हेलीकॉप्टर जो लंबे समय से भारतीय नौसेना का हिस्सा है। आने वाले दिनों में MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात होगा और इसकी जो ताकत है वो लगातार बढ़ेगी समुद्री मोर्चों पर। और अगर हम MiG-29K की बात की जाए तो तमाम आधुनिक जो हथियार हैं, चाहे मिसाइल हैं, वो इस पर तैनात की गई हैं। विक्रांत 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की लहरों को चीरकर एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है, यानी ये हिंद महासागर में चीन के दबदबे को चुनौती देने में सक्षम है। फ्रॉम ए टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अमंग द बेस्ट, उसमें इसमें कोई डाउट नहीं है। साइज एंड स्केल, ये तो एक 43,000-44,000 टन डिस्प्लेसमेंट का वेसल है, करीबन 20 प्लेन और 10 हेलीकॉप्टर्स के लिए है। कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, फायर पावर सिस्टम्स, वेपनरी, टॉप एंड, एवरीथिंग इज टॉप एंड। साइज एंड स्केल, इट्स व्हाट द कंट्री नीड्स। INS विक्रांत नौसेना को ऐसे वक्त में मिलेगा जब भारत और चीन कई मोर्चों पर विवाद से जूझ रहे हैं। हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मुश्किल सवाल बनकर उभरा है। चीन ने पिछले दशक में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति कई गुना बढ़ाई है। ऐसे में भारत के लिए ज्यादा सावधानी बरतना और अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसी को देखते हुए भारत ने कई साल पहले विक्रांत के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था। भारत में 1999 में ही विक्रांत के डिजाइनिंग का काम शुरू हो गया। डिजाइनिंग के तमाम पहलुओं पर काम खत्म होने के बाद फरवरी 2009 में विक्रांत का निर्माण शुरू कर दिया गया। अगस्त 2013 में विक्रांत को पहली बार हार्बर ट्रायल के लिए पानी में उतारा गया। कोरोना काल में काम धीमा जरूर पड़ा, लेकिन नवंबर 2020 तक विक्रांत के हार्बर और बेसिन ट्रायल पूरे कर लिए गए और अगस्त 2021 से विक्रांत के समुद्री ट्रायल शुरू कर दिए गए और अब 2 सितंबर 2022 को विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा है। INS विक्रांत की कमिशनिंग को लेकर इसके पहले कमांडिंग ऑफिसर समेत सभी नौसैनिक इसलिए भी ज्यादा उत्साहित हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सागर का ये बाहुबली न केवल सर्वश्रेष्ठ है बल्कि इसे भारत की धरती पर ही बनाया गया है। विक्रांत कमिंग इनटू द फोल्ड्स ऑफ इंडियन नेवी, एक ऐसी क्षमता हमारे पास आएगी। क्यों? क्योंकि ये इंडिजिनस है, इसका सस्टेनेंस, इसका मेंटेनेंस, इसका रख रखाव और हमें पता है कि ये कैसे हमने डिजाइन किया है। तो इससे हमें एक ऐसी क्षमता मिलेगी कि हम इसको बेझिझक काफी हद तक विदाउट एनी एप्रेंशन विल बी एबल टू एक्सप्लॉइट टू अ फुल कैपेबिलिटी। INS विक्रांत के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत के पास दो दो विमान वाहक युद्धपोत हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि विक्रांत की क्षमता, पहुंच और दूसरी खूबियों से भारत के रक्षा तंत्र को और मजबूती मिलेगी और विक्रांत समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों की उसी तरह रक्षा करेगा जैसे वो 60 और 70 के दशक में करता आया है। कोच्चि में INS विक्रांत से अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, INS विक्रांत मेड इन इंडिया में भारत के विश्वास का उत्तम उदाहरण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विक्रांत को बनाने में 2300 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल्स का इस्तेमाल हुआ है, यानी इतनी केबल्स अगर बिछाई जाएं तो कोच्चि से देश तक की राजधानी दिल्ली तक ये बिछ जाएंगी। विक्रांत पर 24,000 मेगावाट कैपेसिटी वाले 4 गैस टर्बाइंस और 3,000 मेगावाट कैपेसिटी वाले 8 डीजल जनरेटर सेट लगाए गए हैं जो मिलकर इतनी बिजली जनरेट करते हैं कि उनसे पूरे कोच्चि शहर को रोशन किया जा सकता है। इसके अलावा अस्पताल, स्टेट ऑफ द आर्ट किचन जैसी तमाम ऐसी खूबियां हैं जिन्हें सुनकर ये लगता है कि ये केवल एक युद्धपोत तो बिल्कुल नहीं बल्कि पानी पर चलता फिरता शहर है। We'll be right back.
विक्रांत न केवल ताकत में बेजोड़ है बल्कि 40,000 टन के विस्तार में ये ऐसी तकनीकों और सुविधाओं को समेटे है कि इसे एक तैरता हुआ शहर कहना गलत नहीं होगा। जहां इसे रण क्षेत्र में अजेय बनाने के लिए सामरिक रूप से परम शक्तिशाली बनाया गया है, तो साथ ही इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है कि शांतिकाल के दौरान जल सीमा की रक्षा और युद्धाभ्यासों के लिए यहां रहने वाले 1600 से ज्यादा नौसैनिकों को रहने में कोई असुविधा न हो। विक्रांत में महिला स्टाफ के लिए अलग लिविंग स्पेस से लेकर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल और स्टेट ऑफ द आर्ट किचन तक ऐसे तमाम अपग्रेड किए गए हैं जो अब से पहले भारत के किसी और युद्धपोत में नहीं थे। आईएनएस विक्रांत अपने आप में एक चलता फिरता शहर है और क्योंकि इसमें एक वक्त में 1700 से ज्यादा नौसैनिक अधिकारी मौजूद होंगे, ऐसे में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इसके अंदर 16 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। उसके साथ ही 2 ऑपरेशन थिएटर हैं, आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और तमाम मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए जो सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए। इस 16 बेड के अस्पताल और ऑपरेशन थिएटर के अलावा भी विक्रांत में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने का पूरा इंतजाम किया गया है। 2 ऑपरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स है, रेडियोलॉजी विभाग है जिसमें सीटी स्कैन मशीन है जो भारत में पहली बार किसी भी जहाज में सीटी स्कैन मशीन इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा एक्सरे मशीन है, यूएजी मशीन है, फुल फ्लेज लेबोरेटरी है, फिजियोथेरेपी है, हमारे यहाँ पे 2 चेयर का डेंटल सेंटर है। अब आपको विक्रांत की ऑटोमेटिक गैली यानी अत्याधुनिक किचन दिखाते हैं जहां दिन भर में ऑटोमेटिक मशीन्स की मदद से 5,000 लोगों के लिए सेहत और स्वाद से भरपूर खाना झटपट तैयार किया जा सकता है। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के गैली एरिया में हैं, यानी कि किचन का एरिया जो कि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 1700 के आसपास नौसैनिक अधिकारी सेल कर रहे होंगे उनके लिए खाना यहाँ तैयार होगा और इसीलिए बहुत आधुनिक तकनीक से लैस ये किचन बनाया गया है। इसमें तमाम आधुनिक ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो समुद्र में तेजी के साथ बढ़िया खाना, स्वादिष्ट खाना नौसैनिकों को दे सके। विक्रांत के इस विशालकाय किचन में देश के अलग अलग हिस्सों में आए नौसैनिकों की रुचि और स्वाद का ख्याल रखकर खाना तैयार किया जाएगा। सर, हमारे पास अत्याधुनिक स्वदेशी उपकरण हैं जो हम कम समय में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा आदमियों का खाना बना सकते हैं। जैसे हमारे पास बॉयलर है, ये बॉयलर 200 लीटर का बॉयलर है। इसके अंदर हम राइस, दाल, सब्जी 400-400 केजी तक सब्जी हम इसमें एक साथ बना सकते हैं। ये बिजली हीटर से चलता है? बिजली से चलता है। ऐसे ही हमारे पास 6 बॉयलर हैं जो हम सभी को ऑन करते हैं तो 1700 से 1800 नौसैनिकों का हम प्रति तीनों समय का भोजन तैयार कर सकते हैं। और ये है विक्रांत का डैमेज कंट्रोल रूम जिसका काम आग और बाढ़ के हालात में एक्शन लेना है। डैमेज कंट्रोल रूम में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो युद्धपोत के किसी भी हिस्से में आग लगने पर तुरंत अलर्ट कर देते हैं और फिर कुछ सेकंड के अंदर ही उस पर काबू पा लिया जाता है। इतने बड़े युद्धपोत में हमेशा बाढ़ और आग की आशंका बनी रहती है, ऐसे में इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के एक महत्वपूर्ण डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर में मौजूद हैं जो कि आग और बाढ़ फ्लड की स्थिति में नियंत्रण करता है, यहाँ पर मॉनिटर करता है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर अखिल हैं, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर आप मॉनिटर करते हैं और किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं आग या फ्लड के सिचुएशन में। हम सर जितने भी कंपार्टमेंट है सारे हम डिजिटली मॉनिटर करते हो, जितने भी अनमैन्ड कंपार्टमेंट है सारे हम डिजिटली मॉनिटर करते हो, तो कहीं भी कुछ भी स्मोक या फायर के इंसिडेंट स्टार्ट होते तुरंत हमें पता चल जाता है सेंसरों की वजह से। तो जैसे हम पता चल जाते हैं तुरंत यहाँ से एक्शन इनिशिएट करते हो, तो जैसे यहाँ से एक्शन इनिशिएट करते हैं अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से, तो अकॉर्डिंगली जितने भी टीम है उसके हिसाब से काउंटर एक्शन स्टार्ट करेंगे। और इसमें किस तरह के इक्विपमेंट हैं जिससे आपको सिग्नल मिलता है और कितना टाइम होता है जब आपको सिग्नल के बाद आप उस अगर बाढ़ या पानी भर गया या फिर आग की स्थिति है शिप के अंदर? जैसे सिग्नल मिलता रहता है कि कहीं भी उसका जैसे प्री अलार्म होता है, जो भी अलार्म आता है जैसे इंडिकेशन मिल जाता है इमीडिएटली वहां पे लोग जाते हैं अटेंड करते हैं, पता चला पता करता है कि क्या है, वो एक्चुअली है या फॉल्स है
उसके बेसिस पे एक्शन स्टार्ट करता है, लेकिन विद इन सेकेंड्स जो भी हो अंडर कंट्रोल लेके आता है। तमाम वो उपकरण लगाए गए हैं जिसकी वजह से शिप के अंदर अगर किसी भी तरह की आग होती है, पानी भरता है, तो उसका तुरंत सिग्नल मिल जाता है और उसके बाद उस पर उसको ठीक किया जा सकता है। कैमरामैन सत्य के साथ मंजित नेगी, INS विक्रांत, कोची। और चलिए आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे।